नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों, हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ते आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बेसिक्स। तो जो बेसिक टॉपिक हैं वो हम लोग पढ़ लें ताकि जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने बैठें तो हमें कोई दिक्कत न आए। क्यों? क्योंकि बाद में ये बीच में ये सब नाम आएंगे तब ये बोलेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन दो भाई। तो ये इंट्रोडक्शन इन लोगों का हम लोग पहले ही दे लें। जैसे RS पढ़ चुके हम पीछे, किरेल कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही आज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है जियो आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक प्रकार है, इसी का एक टाइप है। तो उसमें ये नाम आएगा E और Z। तो आज हम लोग इसके बारे में बेसिक सीख लें कि क्या ई है और क्या जेड है, कौन सी स्ट्रक्चर को ई बोलेंगे और कौन सी स्ट्रक्चर को जेड बोलेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको सीखें। तो देखो ई और जेड, जेड एक शब्द जूसामेन से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ है साथ साथ। अब क्या चीज साथ साथ है, मैं इसको डिफाइन करूंगा अभी। ये शब्द का मतलब समझ लो कि जूसामेन और एंटेजन, तो एंटेजन इस शब्द का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। तो क्या चीज विपरीत है और क्या चीज साथ साथ है, इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये तीन स्ट्रक्चर हमारे पास बने हुए हैं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी उनका जो रोटेशन है, घूर्णन है, वो रेस्ट्रिक्टेड हो, प्रतिबंधित हो। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, रोटेशन यानी घूर्णन। तो घूर्णन कैसा हो, रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित हो। इसका क्या मतलब है कि घूर्णन प्रतिबंधित हो, इसको मैं अभी एक मॉडल से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी यूं समझ लो कि ये कार्बन और कार्बन जो है ये यूं घूम नहीं सकते, जहां हैं वहीं पर स्थिर रहेंगे, घूम नहीं सकते। तो घूम नहीं सकते तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो दो एटम है या दो ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़े हुए जो ये दो एटम है ये अपनी जगह रहेंगे। यूं घूमकर ऐसा नहीं हो सकता कि B ऊपर आ जाए और A नीचे चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आ गया है। अगर यहां सिंगल बॉन्ड होता कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहां जरूर तीन एटम होते, इधर भी तीन एटम होते, और वो तीनों क्या कर सकते थे, रोटेशन कर सकते थे, वो घूर्णन कर सकते थे। तो डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से इनका रोटेशन है वो रुक गया है, अब ये घूम नहीं सकते। तो अब इस पोजीशन में हम लोगों को क्या देखना होता है, इस कंडीशन में देखना होता है कि यहां जो ग्रुप है ए ए और यहां जो बी और बी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के जो दोनों तरफ जो एटम है इनका प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लेंगे। माना ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है और ये सेकंड पर आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर CIP रूल से चेक करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। ऐसे ही इस तरफ जुड़े हुए इस कार्बन से दोनों आइटम का प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लेंगे। जैसे उधर मान लो ए का फर्स्ट आया था तो इधर भी फर्स्ट ही आएगा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, और ये बी सेकेंड प्रायोरिटी। उधर वाले दोनों ग्रुप का अलग चेक करना है, इधर वाले दोनों ग्रुप का अलग चेक करना है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या एक दूसरे के आमने सामने है, बिल्कुल है, ये एक नंबर इधर का एक नंबर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, यानी साथ साथ हैं, इसको बोला है साथ साथ। तो इसको बोल देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो जेड स्ट्रक्चर है। क्या है ये जो स्ट्रक्चर है, वो जेड स्ट्रक्चर है, इसमें जेड विन्यास है। अब यहां पर एक सवाल उठेगा, एक कंडीशन लगेगी, वो क्या कंडीशन है, जैसे पहली कंडीशन लग चुकी है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए,
यानी sp2 कार्बन होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाला मैं लिख देता हूं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम न आ जाएं। इधर भी जुड़े हुए दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम न आ जाएं। डिफरेंट है तभी हम कह सकते हैं कि एक हायर प्रायोरिटी का है और दूसरा लोअर प्रायोरिटी का है, एक अधिक प्रायिकता का है और दूसरा जो है वो कम प्रायिकता का है। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो फिर हम लोग इनमें अंतर ही नहीं कर पाते। प्रायोरिटी दोनों की कैसे अंतर करते कि कौन कम है कौन ज्यादा है, दोनों की सेम आता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो इसलिए दूसरी कंडीशन ये लग गई कि जो दोनों ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद ही ईजेड देखना है, पहले तो देखना है कि डबल बॉन्ड है या नहीं कार्बन और कार्बन के बीच, फिर देखना है कि दोनों ग्रुप दोनों साइड वो अलग अलग हैं या नहीं, उसके बाद निर्धारण करेंगे कि वो ई है या जेड है। ओके, तो जैसे कुछ बुक्स में दिया होता है कि ई कब बोलते हैं, ई कब बोलते हैं, व्हेन हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर एट लॉन्गर डिस्टेंस, ऐसा दिया होता है कि अधिक प्रायिकता के ग्रुप हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। ये कब पॉसिबल होगा कि वो लॉन्गर डिस्टेंस पे हो? देखो, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ये हायर, ये हायर, ये आमने सामने आ गए तो आप ये डिस्टेंस नाप लें, ये जैसे दो मार्कर के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये मान लो ये ग्रुप यहां होता और ये यहां होता, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप इधर आ जाता, अभी जैसे उस स्ट्रक्चर में करेंगे हम लोग, यहां आ जाता हायर प्रायोरिटी ग्रुप, तो फिर इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस हो जाता वो बढ़ जाता। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप के बीच डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ई। और जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप के बीच, यहां लिख देता हूं मैं दूसरा जेड के बारे में, कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, लोवेस्ट डिस्टेंस पे है, लोवेस्ट डिस्टेंस पे है, तो उसको बोलेंगे जेड। आओ चेक करें, इस एक स्ट्रक्चर को और देखें, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए वो रोटेशन उसका रेस्ट्रिक्टेड हो गया, उसका घूर्णन प्रतिबंधित हो गया, अब वो घूम नहीं सकते हैं, पहली कंडीशन हो गई। फिर क्या इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट है? बिल्कुल है। इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं? बिल्कुल हैं। अब ही चेक करना है अपने को ई और जेड। तो अब मान लो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखें, ए का माने फर्स्ट, बी का माने सेकंड, इन दोनों में से ये हायर प्रायोरिटी है और ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। यहां अगर उधर ए का हायर है तो इधर भी ए हायर प्रायोरिटी होगा, और बी है वो इसकी तुलना में कम प्रायिकता का होगा, इसके कंपेयर ये लो प्रायोरिटी का होगा। तो अब चेक करें, हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या सेम साइड है? नहीं है। इस तरफ ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इधर ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड हैं, विपरीत दिशा में हैं। तो विपरीत यानी ये जो स्ट्रक्चर आएगी वो ई आएगी अपनी। तो यहां भी तो लिखा है ना, हायर प्रायोरिटी ग्रुप लॉन्गर डिस्टेंस पे है, लॉन्गर डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया है। इधर देखें, ये हायर प्रायोरिटी, ये हायर प्रायोरिटी, ये डिस्टेंस जो है वो कम है। अगर ये यहां होता जैसे वहां है उसमें, ये यूं, अगर ये ए यहां होता तो डिस्टेंस ज्यादा होता, डिस्टेंस ज्यादा होता तो ये ई बन जाता, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो ये जेड, डिस्टेंस ज्यादा है तो ये ई। तो आप दोनों ही तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है
डिस्टेंस ज्यादा है इट मींस वो ई है। और दूसरा तरीका सीधा सा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है तो ई, सेम साइड है तो जेड। ओके, तीसरी स्ट्रक्चर और देखें। ये तो चलो वो ग्रुप है वो सिमिलर थे, उधर भी ए बी इधर भी ए बी। अब कोई स्ट्रक्चर ऐसी आ जाए एक तरफ ए एक तरफ बी एक तरफ सी एक तरफ डी, चारों ही ग्रुप अलग अलग हों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सबसे पहले देखेंगे कार्बन, और कार्बन में क्या डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। क्या कार्बन से जुड़े दोनों एटम अलग हैं? हैं। इस तरफ भी कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम अलग हैं? बिल्कुल हैं। अब इनमें माना हायर प्रायोरिटी वाला ये है, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का है। फिर इधर चेक करेंगे, माना ये हायर प्रायोरिटी है ये लोवेस्ट प्रायोरिटी है, अलग अलग उस साइड अलग चेक करना है, इस साइड इन दोनों में अलग चेक करना है। फिर हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ गई। हायर प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप जब सेम साइड आ जाएं, सेम साथ साथ, इसका मतलब वो क्या हो गया? जेड। और वही बात कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हैं, सेम साइड होने की वजह से इनमें डिस्टेंस जो है वो कम आएगा। अगर ये यूं होता तो फिर डिस्टेंस वहां से लेके यहां तक काउंट करना पड़ता अपने को। तो अब ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, या ये दोनों ही नीचे होते, मतलब होते सेम साइड, तो जेड ही चलेगा। अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट होने से डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर वो ई हो जाता है। ओके, तो आप लोग ये बेसिक सी चीज है, इसको आप लोग नोट कर लें, कंडीशंस नोट कर लें कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद फिर दोनों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, इधर भी जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स। ओके, ये लो, ये आप नोट कर ले हैं। तो आइए, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये छह स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनमें हम लोगों ने ई या जेड डिफाइन करना है कि कौन ई है और कौन जेड है। तो मैं इधर साइड में पहले लिख लेता हूं हमारा वही रूल कि कार्बन और कार्बन के बीच पहली कंडीशन की क्या हो? डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? डबल बॉन्ड। फिर दोनों ग्रुप अलग अलग हों, अलग अलग हों, इधर भी दोनों अलग अलग हों, हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरा उसकी तुलना में थोड़ा कम प्रायोरिटी का हो, एक हायर प्रायोरिटी का एक कम प्रायोरिटी का। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो सेम साइड हैं, सेम साइड हो तो जेड। ऐसे ही ये डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, हायर प्रायोरिटी ग्रुप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, इस बार उल्टा कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लोअर प्रायोरिटी वाला कर रहे हैं और नीचे की तरफ हायर प्रायोरिटी वाला। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप दोनों एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं और अपोजिट साइड हैं, सेम साइड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ई, एंटीजन ई। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी वही फर्स्ट कंडीशन, या दोबारा लिख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन पहले क्या देखना है कि sp2 कार्बन है या नहीं, यानी डबल बॉन्ड है या नहीं, डबल बॉन्ड देखना है। उसके बाद देखना है क्या दोनों ग्रुप हैं वो, दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं या नहीं। फिर उसके बाद ई और जेड देखना है। तो पहले तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसको मैं बता दूं क्या मतलब है इसका। तो मॉडल तो लॉकडाउन लगने की वजह से स्कूल और कॉलेज में रह गए, ये इस गोले को आप एक कार्बन मान लें, इसको भी एक कार्बन मान लें, एक बार इसे काम चलाते हैं टेम्परेरी। इनके बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन से ये तीन एटम जुड़े हुए हैं अलग अलग, ये ग्रीन कलर वाला मान लो अलग है, ये रेड कलर वाला अलग है, व्हाइट कलर वाला अलग है। ऐसे ही इस कार्बन से तीन एटम अलग अलग जुड़े हुए हैं, तीन ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब देखो क्या है, मान लो कि ये रेड वाला इस रेड वाले के बिल्कुल सामने है,
अब ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मैं क्या कर सकता हूं, इसको घुमा सकता हूं, घुमाकर रेड वाले को रेड वाले के सामने, या रेड वाले को ग्रीन वाले के सामने, या रेड वाले को इस व्हाइट वाले के सामने ले जा सकता हूं मैं इसको यूं रोटेट करके, या इधर वाले को रोटेट करके मैं इसमें से किसी भी ग्रुप के सामने ला सकता हूं। ये कब हो पाएगा, जब ये सिंगल बॉन्ड होगा तब, यानी इसमें रोटेशन पॉसिबल है। अब हम लोग बात करें, जैसे ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है, आप देखिए इसको, इस कंडीशन में ये गोला जो है वो एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड आ गए तो अब दो ग्रुप और जुड़ सकते हैं। इस कार्बन से एक रेड कलर वाला, एक व्हाइट कलर वाला जोड़ दिया मैंने, इधर भी एक रेड कलर वाला और एक ये व्हाइट कलर वाला ग्रुप जोड़ दिया। अब एक रेड है एक व्हाइट है, इसका मतलब ये डिफरेंट है दोनों ग्रुप, इधर भी रेड और व्हाइट है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो वही कंडीशन हमारे वाली, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल है, इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल है। अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, ये घुमाया मैंने तो एक पोजिशन, देखो अब क्या हो रहा है, गौर से देखो इसको, ये पूरा नहीं घूम पाएगा, ये बॉन्ड आपस में उलझ जाएंगे, अटक जाएंगे एक दूसरे के साथ में, ये देखो पूरा इसको मैं नहीं घुमा सकता, आप घुमाऊंगा तो ये टूट जाएंगे आपस में एक दूसरे से, यानी ये आप करके देख लें खुद, आप मॉडल नहीं हो जाने की वजह से इसको आप एक टेम्परेरी मॉडल मान सकते हैं, आप खुद करके देख लेना, डबल बॉन्ड हो गया तो वो नहीं घूमेगा किसी भी हालत में, इसी को ही बोलते हैं कि ये रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे ये यूं डबल बॉन्ड होता, यहाँ कोई ग्रुप होता है यूं जुड़े हुए, तो अगर मैं यूं घुमाता तो ये आपस में थोड़ा सा घूमने के बाद में यूं अटक जाएंगे एक दूसरे के साथ। बस यही चीज है कि रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है, कि घूर्णन क्यों रुक जाता है, घूर्णन इस वजह से रुक जाता है, डबल बॉन्ड है तो घूर्णन रुक जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से भी घूर्णन रुक जाता है, लेकिन बाद में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो ग्रुप तो एक ही जुड़ पाता। अब उस ग्रुप को, अकेले को हम लोग कैसे डिफाइन करते कि हायर प्रायोरिटी कौन है, लोअर प्रायोरिटी कौन है, क्योंकि दूसरा ग्रुप तो होगा नहीं ट्रिपल बॉन्ड में, इसलिए डबल बॉन्ड में ही ये चीज देखी जाती है। तो आइए अब जल्दी से इनको सॉल्व करें हम लोग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। सीआईपी रूल से प्रायोरिटी ऑर्डर देखें, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो, आयडो हायर प्रायोरिटी का, ब्रोमो कम प्रायोरिटी का। इधर देखें, फ्लोरो और क्लोरो में से क्लोरो हायर प्रायोरिटी, फ्लोरो कम प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, आमने सामने हैं, तो सेम साइड, देखो ये देखो, सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड, यहां लिख देते हैं, जेड होता है वो सेम साइड होता है, और ये विपरीत यानी अपोजिट साइड होता है, अपोजिट। तो ये सेम साइड है, इट मींस ये जेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। यहां दोनों में से हायर प्रायोरिटी OH की, CH3 की कम होगी प्रायोरिटी। क्लोरो और नाइट्रोजन, फर्स्ट एटम देखना होता है ना, इधर क्लोरो है इधर नाइट्रोजन है, तो क्लोरो हायर प्रायोरिटी का हो गया, नाइट्रोजन कम प्रायोरिटी का हो गया। हायर प्रायोरिटी के दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, देखो सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, इसके लिए ई यूज करेंगे हम लोग, ये जेड हो गया, ये ई हो गया। चले आप थर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर, थर्ड पे देखते हैं, यहां देखें, यहां कार्बन, यहां कार्बन, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम में क्या आएगा, इसके अंदर दो कार्बन और एक हाइड्रोजन बैठेगा, इसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, इसका मतलब हायर प्रायोरिटी ये हो गया, ये लोअर प्रायोरिटी हो गया। इनमें बात करें, यहां कार्बन जुड़ा होगा पहले, फिर दो हाइड्रोजन और एक ब्रोमिन, यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो अब यहां देखें, तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, ठीक है, ब्रोमीन की, वन, ये टू, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप, अपोजिट साइड, तो अपोजिट आते ही ई हो जाएगा, ये ई हो गया। उसके बाद बात करें आगे, इसमें देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इधर भी अलग अलग हैं, तो नाइट्रोजन हायर प्रायोरिटी, CH3 लोअर प्रायोरिटी। इस तरह बात करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
हायर प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी यानी नंबर वन वाले, नंबर वन वाले अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ई हो जाएगा। इस तरफ देखें, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी है, मेथिल की, हाइड्रोजन कम है। इन दोनों में से बात करें, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, इनमें से क्लोरीन हायर प्रायोरिटी का है और मेथिल लोअर प्रायोरिटी का है। तो अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ गए, सेम साइड यानी जेड हो जाएगा ये। यहां देखें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो एटॉमिक नंबर से तो यहां डिफाइन कर नहीं पाएंगे हम लोग, एटॉमिक मास देखना पड़ेगा और मास ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है। तो ये हायर प्रायोरिटी हो गया, ये लोअर प्रायोरिटी हो गया। यहां बात करें, ये एथिल हायर प्रायोरिटी, मेथिल लोअर प्रायोरिटी का हो जाएगा। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, सेम साइड है, इसका मतलब ये जेड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इनको निकाल लेंगे और बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल करेंगे। जब दो जगह डबल बॉन्ड आ जाए उसमें भी देखेंगे, दो जगह डबल बॉन्ड आ जाए कुछ एग्जांपल ऐसे करेंगे। और फिर जीआई है या नहीं है, तो जिनमें ई जेड बन रहा है उनमें जीआई जरूर बनेगा, जरूर बन सकता है। कुछ एक क्वेश्चन जीआई पे कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन डबल बॉन्ड है वो एक से ज्यादा आ जाए उस पे कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट कुछ और तरह के एग्जांपल करें हम लोग, जब डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा हो या रिंग में हो तो क्या करना है हम लोगों को। और फिर एग्जांपल हम लोग और बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं तो पहले ही मतलब आलोचना का शिकार होता हूँ, आलोचना जानते हो ना, मतलब पंक्तियाँ कसना, ज्ञान बांट देना। अरे सर 30-30 मिनट के वीडियो, और एक्चुअल में जो आप वीडियो अगर पूरा देख रहे हैं और रजिस्टर में नोट कर रहे हैं तो आप जरूर जानेंगे कि 30 मिनट से भी काम नहीं चलेगा। बीएससी वगैरह में तो चल जाएगा, 2000 एग्जाम्पल बताओ चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 30-30 मिनट के वीडियो से भी काम नहीं चलता अगर हम लोगों को नीट IIT वगैरह करना है तो। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं हम लोग कुछ एक और। अब देखो इस पोजीशन और इस पोजीशन, इन दोनों के बीच में यहां यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब यहां हम लोग चेक कर सकते हैं कि ई होगा या जेड होगा। अब इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से ये ऊपर की तरफ एक कार्बन, उस कार्बन से आगे डबल बॉन्ड से कार्बन और क्लोरीन, और दूसरा ग्रुप हम लोग यूं मान लें कि यहां पर हाइड्रोजन है, दिया हुआ नहीं होता इसका मतलब हाइड्रोजन होता है चौथा ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के डबल बॉन्ड दो बॉन्ड इधर बने हुए हैं, तीसरा बॉन्ड इसने उस कार्बन से बना लिया, तो चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से होगा। तो दो बॉन्ड ये, तीन और एक चार, इनमें चेक करें। तो इनमें चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए OH और CH3 में OH हायर प्रायोरिटी हो गया, CH3 है वो लोअर प्रायोरिटी का हो गया। इस तरफ हाइड्रोजन और कार्बन, तो ये कार्बन है इसलिए ये हायर प्रायोरिटी हो गया और ये लोअर प्रायोरिटी का हो गया। तो वो बात हम लोग पहले लिख लें वापस, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ये हायर प्रायोरिटी 1-1, ये सेम साइड है तो जेड, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड, फिर हायर प्रायोरिटी इसमें ऊपर और इसमें नीचे, तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट है तो ई। अब यहां देखें ये हायर प्रायोरिटी ऊपर की तरफ, इस कार्बन का भी हायर प्रायोरिटी ऊपर, लोअर प्रायोरिटी नीचे, तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, सेम साइड है ना, सेम साइड। यहां अब इसमें देखें, अब इसको मैं हटा देता हूं, क्यों, क्यों इसको हम लोग चेक कर चुके हैं पीछे। इस साइड देखें, इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, ये कार्बन और ये कार्बन देखना है हमें। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो CH3 मेथिल हायर प्रायोरिटी का हो गया, हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी का हो गया। इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन है और दूसरा ये कार्बन, कार्बन के आगे कुछ एक और जुड़े हुए हैं, तो हमने तो पहला आइटम ही देखना होता है ना, तो ये क्लोरीन हायर प्रायोरिटी का हो गया और ये लोअर प्रायोरिटी का हो गया। तो अब देखो हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है, अधिक प्रायिकता वाले समूह जो है वो सेम साइड आ गए, सेम साइड आ गए मतलब ये भी जेड हो गया। तो ये कार्बन भी जेड है, ये भी जेड है, यानी ये दोनों के दोनों जेड हो गए। ओके, उस स्ट्रक्चर में देखें हम लोग अब आगे, यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल दे रहा है, यहां देखना शुरू करते हैं।
अब इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम देखो गौर से, दोनों एटम सेम आ गए हैं, या यूं बोलो दोनों ग्रुप सेम आ गए हैं, एटम ने बोल के ग्रुप बोले, तो दोनों ग्रुप मैथिल हो गए हैं, सेम हो गए हैं, जबकि हमारी क्या कंडीशन थी, दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ई या जेड नहीं देख सकते हम लोग। चलो फिर इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन और इस कार्बन में यहां और यहां, इस कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ मैथिल है, मैथिल हायर प्रायोरिटी का हो गया, हाइड्रोजन है वो लोअर प्रायोरिटी का हो गया। इस कार्बन से यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन हायर प्रायोरिटी और हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, सेम मतलब जेड, तो ये जो जगह होगी या वो डबल बॉन्ड वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वो जेड होगी। ओके, अब इस प्रकार की स्ट्रक्चर जहां जहां डबल बॉन्ड दिखे हमें वही चेक करना है, इस कार्बन में और इस कार्बन के बीच में। तो इस कार्बन से ये एक कार्बन जुड़ा है, यहां दो बॉन्ड ये बने हुए हैं, एक ही हो गया तीन, यानी चौथा जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। यहां देखें ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी एक चौथा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अब चेक करना है हम लोगों को इनमें, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में कंपेयर करना है कि अधिक प्रायिकता का कौन है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन हायर प्रायोरिटी होता है, हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी होता है। यहां इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है और ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इन दोनों में चेक करना है, तो ये कार्बन हायर प्रायोरिटी, ये हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी का। तो अब देखो यहां से ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड आ गए, तो सेम साइड होते ही ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर जेड हो जाएगी। अब चेक करें इसको, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इस कार्बन से ये एक कार्बन जुड़ा हुआ, इस जगह से दो बॉन्ड ये बने हुए, दो और एक तीन, यानी जो चौथा बॉन्ड होगा वो उस तरफ दूसरी साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फोर्थ ग्रुप। इस कार्बन से ये इस तरफ कार्बन जुड़ा है, दो बॉन्ड ये रहे तो चौथा बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन होगा। तो हमें अब इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए एटम्स के बीच में इस स्ट्रक्चर को देखना है कि ई होगा या जेड होगा। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन में ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, यहां हाइड्रोजन और इससे जुड़े कार्बन में कार्बन हायर प्रायोरिटी, हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी। ओके, तो फिर वन वन अपोजिट चले गए, अगर ये वन और ये भी वन होता तो सेम साइड होते, अभी अपोजिट चले गए, अपोजिट चले गए, यानी ये स्ट्रक्चर होगी वो ई हो गई। क्या हो गई, ई स्ट्रक्चर हो गई है, अपोजिट वाली स्ट्रक्चर हो गई, अपोजिट वन वन अपोजिट साइड, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं हायर प्रायोरिटी के ग्रुप। अब चेक करें इस कार्बन को, अब ये मिटा देते हम लोग, इसको हटा दें, तो अब चेक कर रहे हैं यहां इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये एरो लगा लिया मैंने ताकि मेरे को पहचान रहे। फिर इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन है तो नेक्स्ट बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन से जुड़ा ये बॉन्ड कार्बन है तो इस साइड में इसके जरूर हाइड्रोजन होगा, अपनी तरफ से लगा लेने। तो अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन फर्स्ट हो गया, ये हाइड्रोजन सेकेंड हो गया। इस कार्बन से एक कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा है तो कार्बन ये फर्स्ट प्रायोरिटी का हो गया, हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी का हो गया। तो अब देखो यहां इस कार्बन से उस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ कार्बन है, और ये दोनों ही कार्बन फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं, यानी ये सेम साइड हो गए, तो सेम साइड यानी ये स्ट्रक्चर जेड हो जाएगी हमारी। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें जेड भी मौजूद है और ई भी मौजूद है। ओके, ऐसे हम लोगों को ये निकाल लेने हैं, कैसा भी स्ट्रक्चर दिया हो हम लोगों को बस बॉन्ड को देखना है, उस बॉन्ड से जुड़े हुए एटम डिफरेंट होने चाहिए, और बाद में प्रायोरिटी चेक कर लेनी है, प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड जेड, अपोजिट साइड ई। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग कि और भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि एग्जाम्पल और ढेरों तरह के कर सकते हैं हम लोग, तो उनको करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहाँ हम लोग ढेरों प्रश्न करेंगे।
तो अब ये पूछ रहा है कि इन स्ट्रक्चर में से कौन कौन है जो जीआई दिखाएगा। जीआई दिखाने का मतलब ईजेड दिखाएगा। तो जीआई दिखाने का मतलब वही था, कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ग्रुप इधर वाले भी दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर को देखें हम लोग फर्स्ट। तो ये जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन को मैं खोल के अलग लिख लेता हूँ साइड में, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब साइड में लिख लिया, क्या कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। इस कार्बन से जुड़े दोनों एटम, एक मैथिल है एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से जुड़ा भी एक हाइड्रोजन एक मैथिल, बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। इसका मतलब इसके अंदर ई जेड हो सकता है, इसका मतलब ये जी आई होगा, इसमें जी आई होगा। अभी सिर्फ जी आई ही पता करना है ना। इसमें बात करें, इसको खोल के लिखा, ये हाइड्रोजन अलग, ये मैथिल, दोनों ग्रुप अलग, इस Cl2 दो Cl लगे हुए, इसका मतलब खोल के लिखा क्या हुआ, ये दोनों ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए, इसका मतलब इसमें जी आई नहीं है। इसकी बात करें, हाइड्रोजन को खोल के लिखें, यहां भी हाइड्रोजन को खोल के लिखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इसमें जी आई होगा। इसकी बात करें, इसको खोल के लिखें हम लोग, दो सी एस टू, फिर उस CH2 से जुड़ा है COOH, इस CH2 से भी जुड़ा है COOH, तो ये हाइड्रोजन मैं खोल के लिख लेता हूं, ये दो हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजनों को मैं खोल के लिख लेता हूं, ये CH2, COOH, ऐसी स्ट्रक्चर है ये। तो कार्बन और कार्बन के बीच में आप देखिए, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यानी ये घूर्णन कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग जीआई नहीं देखेंगे, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। आगे बात करें, इसमें इस कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसको देखेंगे, तो ये हाइड्रोजन है, मैं साइड में लिख देता हूं, यहां देखना है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, इस कार्बन से एक मैथिल जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप अलग अलग है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक ये सारा बड़ा ग्रुप जुड़ा है, यानी ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये दोनों ग्रुप भी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसका मतलब इसके अंदर जीआई पॉसिबल है। तो ठीक है स्टूडेंट, खूब सारे एग्जांपल हो गए होंगे आपके सामने, शायद इतने एग्जांपल आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, और ढेरों एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और भारत देश में इतने लंबे वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस नंबर के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं खूब सारे, वहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके। तो मेहनत करते रहिए, खुश रहें, मौज करें, और जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें। धन्यवाद।